please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सुषमा स्वराज को एक महिला ने गाना सुनाया। उज़्बेकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक महिला ने राज कपूर की फिल्म श्री 420 का इचक दाना बीचक दाना गाना सुनाया। इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप में 7 तीव्रता का भूकंप आने से 82 लोगों के मरने की खबर है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने का एक पुराना विमान दुर्घटना का शिकार होने से 20 के मरने की खबर है। यूपी की बस्ती में बांध बनाने की मांग को लेकर आरएलडी के प्रदेश सचिव चंद्रमणि पांडे अपने समर्थकों के साथ बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी के घर धरने पर बैठ गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के समय 3 कांवड़िए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। बीते दिन बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या से खड़े हुए सवालों के बाद योगी सरकार ने जेल सुरक्षा समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह को बनाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जल्द ही कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए जल्द ही खास तरह की बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएंगी और ये गाड़ियां एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात CISF को दी जाएंगी। गाड़ियां केवल बुलेट प्रूफ ही नहीं होंगी, बल्कि दावा किया जा रहा है कि बम धमाका होने पर भी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। गाड़ी को हर गाड़ी के ऊपर एक LMG यानी लाइट मशीन गन लगी होगी, जिसका इस्तेमाल हमले के वक्त दुश्मन पर गोलियां बरसाने के लिए किया जा सकेगा। ऐसी हर गाड़ी की कीमत करीब 25 लाख से 40 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है। ऐसी कितनी गाड़ियां खरीदी जाएंगी अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इन गाड़ियों को दिन रात एयरपोर्ट और उसके आसपास के हिस्से में तैनात रखा जाएगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को देश का सबसे संवेदनशील एयरपोर्ट माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अलर्ट दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की सख्ती से आतंकी डर गए हैं। आतंकियों को अब मौत का डर इतना ज्यादा सता रहा है कि वो गांव वालों से बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। शोपिया जहां कल 5 आतंकी ढेर किए गए थे, वहां एक आतंकी गांव वालों से गुहार लगा रहा है कि वो आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सुरक्षा बल को न दे। आप हमारी इसलिए कीजिएगा, लेकिन ये मुखबिर जमा कर सोखे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। क्यों ये गलत काम कर रहे हो, क्यों हमें चलने नहीं देते हो? बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला। ये लोग मुजफ्फरपुर रेप कांड के विरोध में सड़क पर उतरे और नीतीश सरकार के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के समय जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे, जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। कैंडल मार्च निकालने के बाद ये लोग एक चौराहे पर पहुंचे, जहां इन लोगों ने काफी देर तक रेप कांड के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मामले का जवाब देना होगा। इन लोगों ने मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नैतिकता के आधार पर मंजू वर्मा और जिनका नाम आ रहा है उनसे इस्तीफा ले लें, अन्यथा उनको बर्खास्त करें। जन अधिकार पार्टी ने पटना के अलावा राज्य के कई और हिस्सों में भी रेप कांड के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के एलिवेटेड ट्रैक पर एंटी बर्ड डिस्क लगाने की तैयारी। लोग मेट्रो के ट्रैक पर बिछी बिजली के तारों के पास अक्सर पक्षी घोंसला बना लेते। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक इन घोंसलों से होने वाली परेशानी से निपटने के लिए ये योजना बनाई गई है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है जब पक्षी अपने घोंसले में कोई ऐसी चीज ले आए जिनके तारों से टकराने पर शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसी घटनाओं की वजह से कई बार मेट्रो ट्रेन को स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ा। कई बार तो परेशानी दूर करने में कई घंटे लग गए। इसलिए अब 25,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के हर पोल के पास एंटी बर्ड डिस्क लगाई जाएगी। ये एंटी बर्ड डिस्क गोल आकार की होगी, जिनमें नकीली कीलें लगी होंगी। माना जाता है कि इन कीलों से डरकर पक्षी इनके पास घोंसला नहीं बनाते। इन कीलों में प्लास्टिक भी होगा, इसलिए इन कीलों के चुभने के बावजूद पक्षियों को कोई गंभीर चोट नहीं आएगी। योजना के मुताबिक दिल्ली मेट्रो को इस तरह की कुल 15,000 एंटी बर्ड डिस्क लगानी पड़ेंगी, जिनमें 10,000 डिस्क मेट्रो के तीसरे चरण के अलग अलग रूट पर लगेंगी और 5,000 डिस्क दिल्ली मेट्रो के पहले और दूसरे चरण के रूट पर लगाई जाएंगी। इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप में आए 7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 82 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप की वजह से पर्यटकों और इंडोनेशिया के लोगों में खासी दहशत है। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के लोम्बोक के उत्तरी क्षेत्र में जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था। एक हफ्ते पहले भी लोम्बोक द्वीप पर आए भूकंप में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद जारी की गई सुनामी की चेतावनी को रद्द किया गया है।
असम के शिवसागर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई गांव पानी में डूब गए, जिसके बाद कुछ लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। ASDMA यानी असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शिवसागर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 3,000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी दी। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। दावा किया गया कि अकेले शिवसागर में बाढ़ की वजह से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे असम में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 45 बताई गई। असम के धेमाजी, लखीमपुर, दरंग, गोलाघाट, शिवसागर और चराईदेव जिले में बाढ़ से कुल 1,09,000 लोगों के प्रभावित होने का दावा किया गया। इनमें गोलाघाट बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताया गया, जहां 91,000 लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई। वहीं बाढ़ प्रभावित 6 जिलों में करीब 11,000 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद होने का भी दावा किया गया। साथ ही 6 जिलों में बाढ़ से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई। असम की बीजेपी सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया और राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में हालात खराब दिखे। जगह की कमी की वजह से कई लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राज्य में बनाए गए 132 राहत शिविरों में 23,504 लोगों के शरण लेने की जानकारी दी। साथ ही अगले कुछ दिनों में राहत शिविरों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 50,000 के पार जाने का अनुमान लगाया। वहीं मौसम विभाग ने असम में 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली समेत देश के दूसरे शहरों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट ने दिल्ली पुलिस को चिंता में डाल दिया है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी दाखिल हो चुके हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए लश्कर के आतंकी हिंदुओं या फिर सिखों की पारंपरिक वेशभूषा का सहारा ले सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर मंदिर, मस्जिद समेत भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए लश्कर के आतंकी अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सहारा ले सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उज्बेकिस्तान दौरे पर उन्हें एक महिला मिली जो राज कपूर की फैन थी। महिला ने सुषमा स्वराज को श्री 420 फिल्म का मशहूर गाना ईचक गाना बीचक गाना सुनाया, जिसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है, जिसमें महिला सुषमा स्वराज के साथ वीडियो में ईचक दाना बीचक दाना गाती हुई दिखाई दे रही है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने लिखा कि हिंदी सिनेमा की कोई सीमा नहीं है। उज्बेकिस्तान में राज कपूर और नरगिस के नाम पर घर का नाम रखा गया है। इस महिला की हिम्मत को सलाम है, जिसने ईचक दाना बीचक दाना को इतने आत्मीयता से गाया। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक शख्स एक महिला के जूते से पिटाई करने लगा। कूड़ा बीनने वाली ये महिला उन 3 महिलाओं में शामिल थी जिन पर पत्थर तोड़ने की प्रक्रिया के समय लोहा चोरी करने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में शामिल एक शख्स ने अपने जूते से महिला की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच बीच बचाव करने पहुंची दूसरी महिला को भी आरोपी ने जूते से पीट दिया, जबकि आरोपी के साथ ही महिलाओं को घेर कर खड़े रहे। पिटाई के बाद वहां मौजूद एक दूसरा शख्स कूड़ा बीनने वाली महिला की पोटली छीनने की कोशिश करने लगा, जिसके विरोध में महिला अपनी पोटली को पकड़ कर जमीन पर बैठ गई, जिस पर महिलाओं की पिटाई के आरोपी ने उनके साथ एक बार फिर गाली गलौज शुरू कर दी, जबकि महिलाएं खुद को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी ने उनकी दोबारा पिटाई करने के लिए अपने लोगों से डंडा लाने की मांग रख दी, जिस पर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद लोहे की चोरी की आरोपी महिलाएं वहां से निकल पाईं। मुंबई के पास अंधेरी में देर रात कुछ लोग कार सवार एक लड़की को घेर कर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। आरोपी की कार सवार लड़की ने वहां एक आदमी को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी लड़की की कार को घेर लिया और हंगामा करने लगे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने लड़की को गाड़ी से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो गाड़ी के दरवाजे बंद करके अंदर ही बैठी रही। हंगामे के बीच कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, लेकिन आरोपी लड़की ने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला। इस बात से खपा लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और गाली गलौज भी की। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं आरोपी लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी लड़की ने अपनी गलती नहीं मानी और हादसे का ठीकरा घायल हुए आदमी पर ही फोड़ दिया। एक्सीडेंट ना मेरी गलती थी, ना वो बाइक वाले की गलती थी, एक ऑटो वाला था उसकी गलती थी। ओवर स्पीडिंग कैसे होगा जब यूटर्न ले रही हो तो। बिहार के मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही।
इस सियासत के बीच पटना में एक कार्यक्रम के समय सीएम नीतीश कुमार ने बगैर नाम लिए विरोधियों के हमलों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि रेप कांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो गड़बड़ करेगा वो बचेगा, अंदर जाएगा, उसको बचाने वाला भी नहीं बचेगा, वो भी अंदर जाएगा। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गड़बड़ करने वाले अंदर जाएंगे। नीतीश कुमार चाचा, सबसे ज्यादा गड़बड़ तो आप ही करते हैं। 3,000 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, क्या कोई बड़ा अधिकारी नेता जेल गया? मुजफ्फरपुर कांड में भी वही होगा। इससे पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च के समय भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। साथ ही उन्होंने रेप कांड के कसूरवार लोगों को बचाने का आरोप भी राज्य सरकार पर लगाया था। आरजेडी के इस हमले को धार देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। और उसके नेता लगातार रेप कांड के बहाने नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हम चैलेंज करते हैं नीतीश साहब को कि आप खाली यह बता दीजिए कि क्या 3 साल से मिनिस्ट्री को नहीं मालूम था कि यहाँ पर इस तरह के संगीत क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो आप क्यों चुप बैठे हुए हो? नीतीश कुमार पर विपक्ष का हमला तेज होता देख जेडीयू भी मुख्यमंत्री के बचाव में सामने आई। जो आवश्यक कार्रवाइयाँ जितनी भी विपक्ष ने चाही थी वो सारी औपचारिकताएं पूरी हुई, अब वो जांच होने दी। जेडीयू ने विपक्ष की सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को भी खारिज कर दिया। 3 तलाक और हलाला जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी के कानपुर में पहली शरिया कोर्ट का गठन किया गया। खवातीन बोर्ड और सुन्नी उलेमा काउंसिल ने कानपुर में महिला दुरूल कजा की शुरुआत की है। इस कोर्ट में निकाह तलाक जैसे मामलों पर सुनवाई की जाएगी। इस कोर्ट में महिलाएं ही अपील कर पाएंगी और यहां सुनवाई भी महिला मुफ्ती ही करेगी। ये इस कोर्ट को खोलने का मकसद है वो सिर्फ ये है भी मेरे पास रुजू करेगा, कांटेक्ट करेगा, मैं ऑपोजिट वाले को बुला के ये कोशिश करूंगी कि दोनों के बीच में लड़ाई का सबब है उसको दूर करूं। ट्रेन में बच्ची का रेप किया। यूपी के बरेली में रेलवे स्टेशन पर खड़ी दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में 11 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। यूपी के इलाहाबाद में भैंस के बच्चे को खरीदने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में जौहरी से लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लूटा हुआ सामान और 2 तमंचे बरामद किए गए। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसे में घायल हुए सोने के कारोबारी ने मौके पर पहुंची पुलिस पर ही 3 किलो सोने की चोरी करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के कोटद्वार में पहाड़ खिसकने की वजह से हादसे का शिकार हुई कार नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के पटना में किडनी की बीमारी से जूझ रहा एक युवक नदी में कूद गया, जिसके परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही दिखाने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के विजाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई ने हावड़ा एक्सप्रेस से तस्करी कर लाए जा रहे स्टार नस्ल के 1,000 से ज्यादा कछुए बरामद किए, जिसके साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार के बेतिया में पड़ोस में रहने वाले लड़के की छेड़खानी से परेशान एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। यूपी के कानपुर में जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नागरिकता के मुद्दे पर जारी सियासत के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगाया है। ममता ने दावा किया कि एनआरसी की सूची से कई भारतीय नागरिकों के नाम नहीं हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गुमराह करने वाले बयान सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए लिखा कि लोकतंत्र कहाँ है, धर्मनिरपेक्षता कहाँ है, हमारे देश के मूल्य क्यों नष्ट हो रहे हैं, असम में केंद्रीय बलों की 200 कंपनियों को क्यों भेजा गया है। बीजेपी आरएसएस की हर एक कार्रवाई जानबूझकर विनाशकारी और राजनीतिक बदले की है। अब तो मांगे उठने लगी है कि आसाम से ज्यादा बंगाल में, अब बंगाल में भी एनआरसी की जरूरत है। ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे रहते नहीं होगा, आपके रहते हो या ना हो देश के रहते होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम एनआरसी को वहाँ लागू करेंगे। किसी भी जिम्मेवार सरकार की ये जिम्मेवारी भी है और दायित्व भी है, सबसे पहले अपने नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करें। और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या को लेकर के उनको चिंता ज़्यादा है कांग्रेस को और उनके सहयोगी दलों को, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को लेकर के उनको चिंता नहीं है, उनको नागरिकता अधिकार वो नहीं चाहते। बिहार के कैमूर जिले में कई लोग सड़क पर पलटे टैंकर को घेर कर खड़े हो गए। सरसों के तेल से भरा ये टैंकर हाईवे के बीचों बीच चल रहे एक सांड को बचाने के समय पलट गया।
और जिसकी वजह से उससे सरसों का तेल रिसने लगा, जिस पर वहाँ मौजूद लोग बर्तन और प्लास्टिक की बाल्टी में तेल में भरने लगे। इस बीच भीड़ में शामिल महिलाएं भी पीछे नहीं रही। इस दौरान अपनी बारी नहीं आने पर कुछ लोगों ने एतराज भी जाहिर कर दिया। हालांकि टैंकर के करीब नहीं पहुंच पाने पर कुछ लोग सड़क पर ही पड़े सरसों के तेल को समेटने लगे। कोई बाल्टी है, कोई बाटा लिया, कोई पॉलिथीन लिया, जो रास्ता में मिला उसने भरा और लेकर चलते बना। इस बीच हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। पब्लिक लेके जा रहा है कि चूरा है, चूरा। हालांकि मीडिया के सवालों के बाद तेल के टैंकर को मशीनों की मदद से दोबारा सड़क पर खड़ा किया गया।